नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 जुलाई दिन शनिवार। खबरों की बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में पुल गिरने के मामले में बिहार सरकार की बड़ी कार्रवाई। अब प्रदेश के औद्योगिक इकाइयों को बिजली कनेक्शन लेने में नहीं होगी परेशानी। पंचायती राज विभाग में 76 GIS की होगी बहाली। इस व्यवस्था के तहत बैंक पासबुक की तरह भू स्वामियों को मिलेगा जमीन का पासबुक। अपने शहर या किसी भी क्षेत्र का इस तरीके से जाने पिन कोड। आज हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच होगा T20 इंटरनेशनल मैच का मुकाबला। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में हैंडीमैन, सर्विसर, एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट समेत कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 जुलाई है। ये भर्ती कुल 3,256 पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार AIESL के आधिकारिक वेबसाइट www.aiesl.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 28 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों ने संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो और डिप्लोमा व पद के मुताबिक कार्य अनुभव हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। कृषि वानिकी योजना में शामिल होने का सुनहरा अवसर। कृषि वानिकी योजना में शामिल होने का सुनहरा अवसर है, इसकी जानकारी IPID बिहार ने साझा की है। मिली जानकारी के मुताबिक मात्र 10 रुपए में पौधे की सुरक्षित राशि 3 वर्षों के लिए देकर पौधे प्राप्त कर सकते हैं। 3 साल बाद सुरक्षित जमा राशि 10 रुपए कर दी जाएगी। कृषकों को 3 साल बाद पौधे सुरक्षित जमा राशि 10 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। साथ ही कृषकों को 3 साल बाद पौधों की 50% या उससे अधिक उत्तरजीविता होने पर 60 रुपए प्रति पौधे अलग से दिए जाएंगे। इस योजना के लिए आप संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जा सकते हैं। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप कार्यालय अवधि में 9473045992 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। बिहार में पुल गिरने के मामले में बिहार सरकार की बड़ी कार्रवाई। बिहार सरकार प्रदेश में लगातार पुल गिरने के मामले में कार्रवाई कर रही है। इसी कार्रवाई के तहत 15 अभियंताओं को निलंबित करने की खबर सामने आई है। साथ ही इंजीनियर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सस्पेंड किए गए अभियंताओं में ग्रामीण कार्य विभाग के 4 और जल संसाधन विभाग के 11 इंजीनियर शामिल हैं। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा है कि हाल ही में राज्य में 9 पुल ध्वस्त हुए हैं, जिसमें 6 पुल पुराने थे। मेंटेनेंस के अभाव में इन पुलों के ध्वस्त होने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि नदी के उराही करने वाली मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे श्रद्धा शर्मा के बारे में। ये एक मीडिया प्रौद्योगिकी मंच योर स्टोरी के संस्थापक, CEO और मुख्य संपादक हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1980 में बिहार के पटना में हुआ था। इन्होंने योर स्टोरी की शुरुआत साल 2008 में की थी। इससे पहले ये CNBC TV में सहायक उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही थी और टाइम्स ऑफ इंडिया में ब्रांड सलाहकार भी थी। इन्हें इनके सराहनीय कार्य के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें स्टार्टअप के कवरेज के लिए विलगुरो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार शामिल है। अब प्रदेश के औद्योगिक इकाइयों को बिजली कनेक्शन लेने में नहीं होगी परेशानी। इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम से बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को बिजली कनेक्शन लेने में आने वाली परेशानियों को देखते हुए महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक के दौरान उद्योग विभाग के अधिकारी और डिस्कॉम के अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि 1 महीने के भीतर डिस्कॉम सभी लंबित बिजली कनेक्शन मामलों की समीक्षा करके उसका समाधान करेगा। इसकी जानकारी उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। औद्योगिक इकाइयों के बिजली कनेक्शन के बारे में किसी भी तरह की शिकायत पर 1800-3456214 पर कॉल कर सकते हैं या sipb.care@bihar.gov.in के जरिए शिकायत कर सकते हैं। पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश के लॉ कॉलेजों की दयनीय स्थिति पर की सुनवाई। राज्य के 27 सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों की दयनीय हालात पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। ये सुनवाई कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ में हुई है।
जहां अदालत ने इन कॉलेजों के संबंध में बीसीआई को विस्तृत ब्यौरा देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। वहीं अनुग्रह नारायण मेमोरियल कॉलेज में छात्रों के प्रवेश के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जब बीसीआई ने इस कॉलेज का निरीक्षण किया तो यहां कई कमियां बताई गई, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि यदि इन कमियों को दूर कर लिया जाए तो सत्र 2024-25 में छात्रों के नामांकन की अनुमति दी जा सकती है। पंचायती राज विभाग में 76 जीआईएस की होगी बहाली। 76 जीआईएस यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ पंचायती राज विभाग में बहाल किए जाएंगे, जिसमें सीनियर जीआईएस विशेषज्ञों की संख्या 38 होगी और जीआईएस विशेषज्ञों की संख्या भी 38 रहेगी। वित्त विभाग ने पंचायती राज विभाग की तरफ से इन विशेषज्ञों की बहाली के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। अब इस प्रस्ताव को विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य पद वर्ग समिति में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जब कैबिनेट इस पर अपनी मंजूरी दे देगा, फिर इस बहाली प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। अपने शहर या किसी भी क्षेत्र का इस तरीके से जाने पिन कोड। जब भी हम कुछ मंगवाते हैं या चिट्ठी और पार्सल आदि भेजते हैं तो वहां पर पूरा पता लिखना जरूरी है। पता लिखने में सबसे जरूरी चीज है वहां का पिन कोड लिखना। देश में हर शहर या नगर या इलाके का अपना एक पिन कोड होता है। यदि हमें पिन कोड ही पता ना हो तो काफी परेशानी होती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने क्षेत्र के पिन कोड का पता कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस के आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर आप अपने राज्य को चुनेंगे या उस जगह का नाम चुनेंगे जहाँ का आपको पिन कोड जाना है। राज्य का ऑप्शन चुनने के बाद वहां के जिला, फिर शहर या अपने क्षेत्र का नाम चुनें। इसके जगह पर उस क्षेत्र का डाक घर भी चुना जा सकता है। फिर स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा को भरें, फिर सर्च बटन को क्लिक करें। ऐसा करते ही आप उस क्षेत्र का पिन कोड देख सकेंगे। श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर राजस्व विभाग ने जारी की राशि। 22 जुलाई से सावन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में 14 जगहों पर श्रावणी मेला लगेगा। मेले का आयोजन पूरे एक महीने तक होगा। इस मेले को लेकर संबंधित जिलों के जिलाधिकारी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने समुचित तैयारी के आदेश दिए हैं। इसे लेकर विभाग द्वारा 5,46,86,000 रुपए भी जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा कहा गया है कि अगर आयोजन में किसी जिले से अतिरिक्त राशि की मांग की जाएगी तो वो भी उसे मुहैया करवाया जाएगा। जल्द पटना में बनेगा ब्रांडेड होटलों का ठिकाना। राजधानी पटना में बड़े होटलों कारोबारी निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जिससे पटना में जल्दी ब्रांडेड होटलों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। बिहार में कई बड़े होटल कारोबारी जैसे ताज, रेडिसन होटल इंडस्ट्री में निवेश कर सकते हैं। पटना का नवनिर्मित ताज 5-स्टार होटल चालू इसी महीने हो सकता है। इस होटल का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं। ब्रांडेड होटलों के निर्माण से बिहार में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस व्यवस्था के तहत बैंक पासबुक की तरह भू स्वामियों को मिलेगा जमीन का पासबुक। भूमि विवाद की घटना को कम करने के लिए प्रदेश में भू सर्वेक्षण का काम बड़ी ही तेजी से चल रहा है। भूमि विवाद की घटना को कम करने के लिए एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। ये काम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में किया जा रहा है। इस भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली से भूमि संबंधित दस्तावेजों को आसानी से देखा और समझा जा सकता है। इसके आ जाने से प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। भूमि स्वामियों को बैंक पासबुक की तरह जमीन के पासबुक भी दिए जाएंगे। इसके लिए भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय द्वारा 16,50,00,000 रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई है। लोगों के बीच मोस्ट अवेटेड सीरीज मिर्जापुर 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज की जा चुकी है। इस सीरीज में पंकज त्रिपाठी के किरदार को खूब पसंद किया जा रहा। सीरीज देखने के बाद कई लोगों ने अपना रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस सीरीज में पंकज त्रिपाठी के साथ ही अली फजल, विनय वर्मा, श्वेता त्रिपाठी और रमिका दुग्गल अहम रोल में नजर आ रही हैं। कई लोगों को ये सीरीज काफी पसंद आया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये सीजन उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। जिन्हें पसंद नहीं आया उन्होंने लिखा कि 4 साल लगे तुम्हें फिर भी सीजन अच्छा नहीं बना पाए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि मिर्जापुर सीजन 3 गजब भौकाल बवाल है, मुन्ना भैया तो शुरू में ही चल बसे। आपको ये सीरीज कैसी लगे हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
क्या जले हुए नोट को बदलवा सकते हैं आप? अक्सर हमारे हाथ में कटे फटे नोट आ जाते हैं। कटे फटे नोट को तो कई बार हम बाजार में भी चला लेते हैं, यहाँ तक कि ऐसे नोट को हम बैंक में भी बदलवा सकते हैं। लेकिन यदि नोट जला हो तो क्या ऐसे नोट को बदलवाया जा सकता है? ये सवाल कई लोगों के दिमाग में होगा। यदि आपके पास भी जले हुए नोट हैं जिसे आप बाजार में चला नहीं सकते, तो आपको बता दें कि आप ऐसे नोट को बैंकों में बदलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। RBI के जारी सर्कुलर के मुताबिक 10 से ज्यादा रुपयों की वैल्यू के नोटों को बदलवाया जा सकता है। एक व्यक्ति एक बार में 20 से ज्यादा नोटों को नहीं बदलवा सकता है और इन सभी नोटों को टोटल वैल्यू 5000 रुपए से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही नोट का कुछ अंश ही जला हो, लेकिन यदि नोट पूरी तरह जल गया है तो उसे बदलवाया नहीं जा सकता। बिहार में आपात सर्विस के लिए डायल 112 मददगार हो रही साबित। बिहार में आपातकाल सर्विस के लिए बिहार पुलिस की डायल 112 काफी मददगार साबित हो रही है। मामला चाहे एक्सीडेंट का हो या क्राइम का या अन्य, डायल 112 लगातार नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। बीते 2 वर्षों में करीब 20 लाख लोगों को इसके जरिए सेवा सहायता मिली है। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक निर्मल कुमार आजाद ने बताया कि डायल 112 के सराहनीय 2 वर्ष की सेवा अब तक 20 लाख नागरिकों को दी गई है। राज्य भर में तैनात 1833 वाहनों के द्वारा औसतन 20 मिनट में आपातकालीन सेवा पहुँचाई गई है। आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 6 लोगों की गई जान। शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश के बीच ठनका गिरने से जहानाबाद, वैशाली और बेगूसराय जिले में 6 लोगों की जान चली गई। इन 6 लोगों की मौत अचानक आकाशीय बिजली के गिरने से हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक इन लोगों ने ठनका से बचने के लिए जिस जगह का चुनाव किया, वहीं ठनका गिरा और इनकी मौत हो गई। इसमें जहानाबाद में मखदूमपुर में एक ही जगह पर 3 लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने के कारण हुई है। लगातार हो रहे बारिश से किसान हुए खुश। बिहार में इन दिनों लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश में लगातार बारिश से कई किसान खुश तो कई जगहों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। किशनगंज में 1 या 2 स्थानों पर अति भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अररिया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, शिवहर में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में कई जगहों पर अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। PHED विभाग के मंत्री ने पूर्व महागठबंधन की सरकार पर लगाए गड़बड़ी के आरोप। महागठबंधन की सरकार के समय निर्गत टेंडर को एक बार फिर से बिहार सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। इससे पहले बिहार में रही महागठबंधन की सरकार पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PHED के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। साथ ही सभी टेंडर को रद्द करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस विभाग में पूर्व महागठबंधन सरकार द्वारा जारी किए गए टेंडर को रद्द कर दिया गया था। इस मामले को लेकर मंत्री ने कहा है कि NDA की सरकार बनने के बाद सभी विभाग पिछली सरकार में हुए कामों की समीक्षा कर रहे हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जांच के बाद अब तक करीब 4000 करोड़ के टेंडर को रद्द किया गया है। बारिश के मौसम में भींग गया है फोन तो करेंगे उपाय। बारिश के मौसम में कई बार जब हम बिना छाते के घर से बाहर निकल लें तो पर्स या पॉकेट में रखा फोन अक्सर भींग जाता है। फोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यदि ये ज्यादा पानी के संपर्क में आए तो उसमें खराबी आ सकती है। ऐसे में यदि कभी आपका फोन पानी में भींग जाता है तो उसे तुरंत स्विच ऑफ कर दें। फोन को ऑफ करने से पानी मदरबोर्ड में नहीं जा सकेगा। यदि आपके फोन में पानी मदरबोर्ड तक चला गया तो उसमें शॉर्ट सर्किट आ सकता है। इसके बाद इसके सिम और मेमोरी कार्ड को निकाल दें। इस दौरान चेक कर लें कि आपका महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षित है या नहीं। फिर फोन को सुखाने के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर या बैग में चावल रख के फोन को उसके अंदर डाल दें। चावल में फोन को करीब 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ दें। चावल फोन के पानी को अवशोषित कर लेगा। पुल गिरने के मामले में तेजस्वी यादव ने राज्य और केंद्र सरकार को घेरा। बिहार में पुल गिरने के मामले को लेकर काफी सियासत देखने को मिल रही है। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव लगातार राज्य सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा है कि जब वे सत्ता में थे तब पथ निर्माण विभाग के पास पैसा नहीं था। अभी जिनके कार्यकाल में पुल गिर रहे हैं वे सत्ता में वापस नहीं लौटेंगे। आगे तेजस्वी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार के साथ बिहार में पुलों के ध्वस्त होने को लेकर याद किया जाएगा। मॉनसून की बारिश शुरू होने के साथ ही धराधर एक के बाद एक पुल गिरते नजर आ रहे हैं।
बिहार के नेताओं को बीजेपी आला कमान ने सौंपी अहम जिम्मेदारी। बिहार समेत देश के 23 राज्यों में बीजेपी ने नए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की है। नए प्रभारियों की सूची पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर जारी किए गए हैं। इस सूची के मुताबिक विनोद तावरे बिहार में प्रदेश प्रभारी बने रहेंगे। वहीं बिहार बीजेपी का सह प्रभारी झारखंड के दीपक प्रकाश को बनाया गया है। वहीं बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल को सिक्किम का प्रभारी बनाया गया है। इनके अलावा बिहार में बीजेपी के MLC देवेश कुमार को मिजोरम का प्रभारी बनाया गया है। लालू का दावा, अगस्त तक गिर सकती है मोदी सरकार। बीते दिन राजद ने बड़े ही धूमधाम से अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने दावा करते हुए कहा कि मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की अपील करता हूं, क्योंकि चुनाव अब कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त तक गिर सकती है। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, केंद्र की सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी। नीतीश कुमार 2024 में या 2025 में कभी भी विधानसभा चुनाव करवाएं, राजद सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इधर उधर जाने वाले को पार्टी दरकिनार करेगी। बिहार से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए सांसदों का हुआ अभिनंदन। बिहार में जिन सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उनका बीते दिन अभिनंदन किया गया। इस दौरान ललन सिंह, जीतन अमान जी, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, राजभूषण निषाद, सतीश चंद्र दुबे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई नेता मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 2025 विधानसभा के चुनाव में NDA में शामिल दलों को मिलकर 2010 का रिकॉर्ड तोड़ना है। आगे सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो लक्ष्य तय किया है उसको पूरा करना है। भारत सरकार में बिहार से जो मंत्री शामिल है, सामूहिक तौर पर बिहार के विकास में पूरा सहयोग करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि 176 सीटें तो अभी भी जीते हैं, 40-50 सीट और जीत जाएंगे तो पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा। आज हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच होगा T20 इंटरनेशनल मैच का मुकाबला। T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में होने वाला है। भारतीय समय के मुताबिक ये मैच शाम के 4:30 बजे शुरू होगा। आपको बता दें कि 5 मैचों के सभी सीरीज हरारे में ही खेले जाने वाले हैं। पहला मैच आज यानी 6 जुलाई को होगा। भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में मैच खेलेगी। आपको बता दें कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब BCCI यंग क्रिकेटरों को मौका दे रही है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के संसद में चुने जाने वाले प्रथम अश्वेत और भारतीय बने थे। आज के ही दिन वर्ष 1944 में महात्मा गांधी को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। आज के दिन वर्ष 1959 में वेल्लूर अस्पताल में पहली सफल ओपन हार्ट सर्जरी की गई थी। आज के दिन वर्ष 1986 में भारतीय राजनीतिज्ञ बाबू जगजीवन राम का निधन हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के नाम से चलाए जा रहे इस फेक इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के नाम से एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाए जा रहे हैं। इस इंस्टाग्राम हैंडल पर जगदीप धनखड़ की तस्वीर प्रोफाइल में लगी है, साथ ही कई पोस्ट भी शेयर किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अकाउंट फेक है। यदि आप ऑफिशियल अकाउंट पर विजिट करना चाहते हैं तो आपको vicepresident.nic.in पर जाना होगा। PIB फैक्ट चेक ने भी इस इंस्टाग्राम हैंडल को फेक बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 30 जून, ऑप्शन बी है 2 जुलाई, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी है 3 जुलाई। इसका सही उत्तर है 2 जुलाई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में PGCIL के नए CMD कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए चिराग शेट्टी, ऑप्शन बी है रविंद्र कुमार त्यागी, ऑप्शन सी है दिनेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी उपेंद्र द्विवेदी। इसका सही उत्तर है रविंद्र कुमार त्यागी। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1656 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1661 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1666 ईस्वी में,
ऑप्शन डी है 1671 ईस्वी में, इसका संयुक्त रथ 1666 ईस्वी में। चूना पत्थर बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पटना वैशाली, ऑप्शन बी है रोहतास कैमूर, ऑप्शन सी है सारण गया, ऑप्शन डी है मुंगेर मुजफ्फरपुर, इसका संयुक्त रथ रोहतास कैमूर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था, जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है ओम प्रकाश, राकेश मिश्रा, शिव शक्ति, श्रवण कुमार, वेद प्रकाश सिंह, चुन्नू कुमार शर्मा, संजय कुमार शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की, आज का सवाल है, आज प्रदेश और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले T20 इंटरनेशनल मैच में किस टीम के बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।